job that you think. Okay. हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पिछले वीडियो में आप सभी का ढेर सारा प्यार रहा, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी बच रहे दिन के 12 और मैं निकल चुका हूँ एक और नई और खूबसूरत सोलो जर्नी के लिए। आज का हमारा टूर रहेगा सिक्किम साइंस सेंटर और नेशनल साइंस सेंटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब इन्जॉय करेंगे। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ जो कि है रानीपुल मार्चेक एरिया पे। तो वहाँ से मुझे आपको थोड़ा बहुत जितना हो सके मैं टूर देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा और जितना वहाँ स्पेशलिटी होंगे, जितना भी साइंस रिलेटेड होंगे, आप सभी से मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो जर्नी को एंजॉय करते हैं। और फाइनली गाइस, मैं निकाल चुका हूं और अभी के रास्ता देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से है। शायद मुझे लगता है ऊपर से रास्ता ख़राब होने के कारण ये रास्ता अभी व्हीकल के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, केवल आप पैदल जा सकते हैं। और मुझे थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको दिखाना चाहूँगा साइंस सेंटर जो आपको वहाँ दिखाई दे रहा है। ये सब साइंस सेंटर की एरिया है शायद, मुझे लगता है। और वहाँ से फिर कुछ रिवर का भी बढ़िया व्यू दिखाई देगा। फाइनली गाइस, मैं अभी पहुँचने वाला हूँ और यहाँ से जो बहुत बढ़िया व्यू दिखाई दे रहा है, आपसे थोड़ा बहुत दिखाना चाहूँगा। गाइस, यहाँ से व्यू और अभी मैं आया था इस रास्ता से और ये हम मुझे लगता है यही है साइंस सेंटर। और फाइनली गाइस, यहाँ के रास्ते देख सकते हैं। अभी मुझे लगता है यहाँ हाईवे बनाया जा रहा है। अभी अंकल ने मुझे बताया कि यहाँ पे फ्लाईओवर बनाया जाएगा ताकि जो भी बारिश के सीजन में जैसे लैंडस्लाइड होते हैं तो वो कम होने के चांसेस हैं और ज़्यादा सेफ्टी रहेगा। तो आप कंस्ट्रक्शन काम चल रहे हैं और गाइस देख सकते हैं आगे के रास्ते किस तरह का है। अभी शायद मुझे लगता है ये बन रहे हैं। फाइनली गाइस, मैं एंट्री कर चुका हूँ। पीछे मेरे गेट देख सकते हैं और ये है काउंटर। शायद अभी कोई नहीं है। मुझे लगता है कि अक्सर यहाँ अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इतना रोड ठीक नहीं है, इसीलिए टूरिस्ट भी कम विजिट के लिए आते हैं। लेकिन मैं लोकल हूँ तो मैं जैसे तैसे आगे आपको दिखाया कि किस तरह का रास्ता था। और यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है। जिस तरह आज मेरा प्लान था कि कहीं और आपको टूर कराने की, कहीं और जगह को प्लेस को दिखाने के लिए, लेकिन आज मैंने जैसे नेट पर सर्च किया नियर बाय गैंगटॉक द फेमस प्लेसेस, तो मुझे लगा कि ये एक स्टूडेंट के लिए सही भी है और मुझे कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। आज का हमारा टूर रहेगा सिक्किम साइंस सेंटर का और यहाँ से जो व्यू देख सकते हैं और आज का टेम्परेचर भी बहुत प्यारा हो रखा है और यहाँ से पूरा ओवरऑल आप 3 डायमेंशन में देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से अभी मैंने लिया था एंट्री और अभी देख सकते हैं रास्ते सब बन रहे हैं और यहाँ से देख सकते हैं आप पूरा बिल्कुल हरियाली और कुछ यहाँ स्ट्रक्चर या गार्डन टाइप का बनाया गया है। और ये होता है आपका मेन सिक्किम साइंस सेंटर और जिसके आगे डायनासोर बनाया गया है और इसके आसपास देख सकते हैं कुछ इस तरह से बढ़िया है। तो काफ़ी प्यारा जगह है। अभी मैंने पूछा था कि अंदर एंट्री है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। तो जितना हो सके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और मेरे आसपास देख सकते हैं पूरा बिल्कुल ही हरियाली और यहाँ देख सकते हैं एक डायनासोर का स्ट्रक्चर स्टैचू बनाया गया है, डायनासोर का स्टैचू बनाया गया है। और अभी का टेम्परेचर भी काफ़ी प्यारा हो रखा है और यहाँ भी देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। और अभी आया था मैं इस जगह से। जैसे मैंने इस जगह पे एंट्री किया तो जो चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी वो चीज़ ये था गाइस, देख सकते हैं आप। जस्ट फ्रंट पे एक डायनासोर बनाया गया है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्यारा, देख सकते हैं, जो कि इस चीज़ इस प्लेस को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव करती है। और आप जैसे एंट्री करेंगे उसके बाद आपके पास 2 वे है, राइट लेफ्ट, और हम राइट से एंट्री करेंगे। उसके बाद जो वापस लौटेंगे तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ के बारे में थोड़ा टूर भी ज़रूर देंगे। तो यहाँ से एंट्री करते हैं कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। और
फाइनली गाइस मेरा एंट्री हो रहा है आप मेन सेंटर के अंदर, और आपको दिखाऊंगा थोड़ा बहुत जितना हो सके। मुझे लगता नहीं कि कैमरा अलाउ होगा। यहाँ से कुछ इस तरह का एंट्री है। और मैम को थैंक यू कहना चाहूँगा, और मैम ने मुझे एंट्री दे दिया है, और आपको जितना हो सके मैं थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, और देखते हैं आगे। और यहाँ से देख सकते कुछ इस तरह का एंट्री है। फोन साइंस के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे। तो यहाँ होता है हमारा एंट्री, और फाइनली गाइस मैं अंदर एंट्री कर चुका हूँ। आपको यहाँ थोड़ा जो इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगे वो आपको थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करूँगा, तो उम्मीद है आप सब इन्जॉय करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे आप एंट्री करेंगे तो पहली बात आपको ये मूवी मैजिक, कुछ इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है यहाँ मूवी मैजिक के बारे में। हमको ये व्हील डाउनवर्ड मूव करना है, देखते हैं क्या होता है। ये एक व्हील की तरह है, और शायद मुझे लगता है इसके अंदर कुछ बनाया गया है। इसको मूव करते हैं तो जैसे कि ये भी मूव करेंगे कुछ ऐसा ही है, तो देखते हैं। इसको मैंने नीचे मूव किया, ओ यह हमारा दूसरा है, और इसका कुछ नोटिस पॉइंट यहाँ है। यहाँ एक स्विच दिया गया है, और ऑब्जर्व व्हाट इज ट्रांसफॉर्म इनटू, और देखते हैं इसको दबाने के लिए कहा गया है, दबाते हैं। ओके ओ ये चीज़ें तो मुझे समझ में नहीं आ रही क्या है। कुछ बन के रोका हुआ है, देख सकते हैं। जैसे मैंने दबाने के लिए कहा था दबा दिया, और उसके बाद देख सकते हैं। और ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, और यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ लिखा गया है और नेक्स्ट है थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें। ये हम सब बचपन में बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। अक्सर हम बचपन में क्या करते हैं कि जब लाइटिंग बाहर से आ रही होती है तो हम हाथ से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमारे शेडो दीवार पे जाके गिरती है, तो उस तरह का कुछ है। या देख सकते हैं लीव योर शेडो बिहाइंड। तो अंदर चलते हैं, इसको देखते हैं क्या है। ओ अंदर है गाइस, इस कैलिडोस्कोप, और यहाँ लिखा गया है आपको क्या करना है। आपको कुछ इस तरह का दिया गया है, इसके अंदर आपको देखना है और इसको रोटेट करना है। तो आप देखिएगा गाइस, मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो इसके जो अंदर के स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं। ओके और नेक्स्ट है हमारा इलियोसिप स्फीयर, और इसके बारे में यहाँ देख सकते हैं आप। इसको मुझे मूव करना है थोड़ा से इस तरह से, वाओ। अगेन पाइप्स, इसको मुझे मारना है कि द होल पाइप्स ऑफ डिफरेंट लेंथ जनरली इन द स्मॉल्स में एग्जैक्ट डिफरेंट। ओके वाओ, ये हमारा इम्पॉसिबल मिक्सर्स देख सकते हैं। लिक्विड पेंटिंग, ओके वेयर इज इट लिक्विड पेंटिंग। दिस इज राइजिंग बबल्स,
इस पे आइडेंटिफाई करना है मुझे मैग्नेट। लेट्स सी, अब हम घुसने वाले हैं कॉलर शैडो के अंदर, कुछ इस तरह का है। और ये है गाइस हमारा कलर शैडो, जो कि 3 कलर्स में दिखाई देंगे, रेड, ग्रीन और ब्लू में। आप देख रहे होंगे, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे, जिस तरह का लिखा गया है यहाँ। और मैंने जस्ट अभी प्रेस किया था ये बटन, और यहाँ 3 लाइट जले हुए हैं, और मेरे पीछे शायद कलर शैडो दिखाई दे रहा होगा। मुझे लगता है इतना ही है, और जितना हो सके मैं बाहर की तरफ गार्डन आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वहाँ बहुत ही फ्रेशनेस और बहुत ही प्यारा जगह है। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चलते हैं बाहर। और फाइनली गाइस मैं बाहर निकल चुका हूँ, और मैंने आपको जितना हो सके थोड़ा बहुत मैंने दिखाया, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी थी और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, कुछ चीज़ें आसानी से समझ में आ रही थी। और अभी का फ़िलहाल का यहाँ देख सकते हैं मौसम बहुत प्यारा है, और मुझे लगता है बारिश होने वाला है कुछ समय के बाद। और थोड़ा बहुत घूमते हैं यहाँ, और ये देख सकते हैं बहुत ही ख़तरनाक डायनासोर। और यहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत प्यारा है, देख सकते हैं गाइस। और आई होप कि आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिली होगी, थोड़ा बहुत आपने इन्जॉय किया होगा। और यहाँ भी एक पता नहीं कुछ है, लेकिन अभी फ़िलहाल बंद है। यहाँ से कुछ इस तरह का है ओवरऑल आप व्यू देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा और बहुत साफ़ सुथरा है यहाँ। ये देख सकते हैं मेन कुछ सेंटर है अभी, लेकिन क्लोज है। और यहाँ से देख सकते हैं गाइस, वाह। जितना मुझे मज़ा आया उससे उसके कई गुना ज़्यादा मुझे यहाँ इस जगह पे अच्छा लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जगह बहुत ही साफ़ सुथरा है और बहुत शांति है, प्लस में बिल्कुल हरियाली है, और यहाँ प्लांट्स लगे हुए और कुछ इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर भी बने हुए। टाइम है यहाँ के कुछ सिनेमेटिक शॉट्स को देखने के लिए। करता हूं कि यह छोटी सी सिक्किम साइंस सेंटर की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करिए, फैमिली के साथ शेयर करिए। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।